खुशामदीद, वेलकम साथियों। आज हिंद वॉइस चैनल के माध्यम से जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो विषय है कि क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोई अल्टरनेटिव है, क्या हमें कोई और ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम खोजना चाहिए जिसमें कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं हो, जिनका किसी भी तरह से मिसयूज नहीं हो सके। इस पर आने से पहले हमें समझना होगा कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तब कितनी तरह की गवर्नमेंट और किस तरह के गवर्निंग सिस्टम चले, यानी कैसे लोगों ने समाज को गवर्न किया। तो अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो जबकि हिस्ट्री नहीं लिखी जाती थी उस वक्त की अगर हम बात करें, तो बहुत पहले तो इंसान झुंडों में रहा करता था, एक जगह रहता कुछ महीने कुछ साल रह के और फिर वो जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाया करता था। जब खेती का आविष्कार हुआ तब लोग एक जगह रुककर सेटल होने लगे और तब गांव बनने लगे, मकान बनने लगे, बाजार बनने लगे और माल खरीद फरोख्त का सिस्टम शुरू हुआ और तभी फिर डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी और इसीलिए गवर्नमेंट सिस्टम बनने लग गए। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें फिर अब पहुंच जाए लगभग 1000 साल पहले और देखें कि कितने तरह के गवर्नमेंट सिस्टम तब से रहे, तो मेजॉरिटीली या मुख्यतया जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो है मोनार्की, थियोक्रेसी, सोशलिज्म, ओलिगार्की, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म और अंत में डेमोक्रेसी। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो कम्युनिज्म जो कि अभी भी चाइना में है, जिसमें कि बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है और सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट ही हर इंसान की देखरेख करती है। उसके अलावा हम दूसरी तरह की अगर गवर्निंग सिस्टम की बात करें तो अरिस्टोक्रेसी एक गवर्निंग सिस्टम होता है जो कि मिडिवल टाइम्स में था, 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में रहा, जर्मनी यूरोप में, पूरे यूरोप में बेसिकली एरिस्टोक्रेसी थी जिसमें कि क्वालिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अच्छे खानदान से हुआ करते थे बेसिकली वो रूल किया करते थे और चुनाव नहीं होते थे, बस वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वो बढ़ा करते थे। तो इसकी भी कई डिसएडवांटेजेस थी एरिस्टोक्रेसी की, लेकिन वो भी एक गवर्निंग सिस्टम था। और उसके अलावा आज की तारीख में मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी एक गवर्निंग सिस्टम है, अभी भी 30 से 40 कंट्रीज में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है जिसको कि डेफिनेटली अच्छा नहीं माना जाता। थाईलैंड उसमें एक एग्जांपल है, बर्मा एग्जांपल है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो गवर्निंग सिस्टम के हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें तो राजशाही भी एक एग्जांपल है, जैसे कि ओमान में या सऊदी अरेबिया में जो गवर्नमेंट्स हैं वो राजशाही हैं। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की, जिसको कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये माना गया था कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्निंग सिस्टम है और ज्यादातर कंट्रीज ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपना लिया था। अब 100 साल बाद हमको देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसी की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सामने आ रही हैं, और वो इसलिए नहीं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम खराब है बल्कि इसलिए कि उसका परिपालन सही नहीं हो पा रहा कई कंट्रीज में। तो अगर हम डिस्कस करना चाहें कि ऐसी क्या कमियां हैं जो कि डेमोक्रेसी को गलत डायरेक्शन में ले जा सकती हैं, तो उस बेसिक चीज एक है कि डेमोक्रेसी वर्क करती है डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल पर, वो वर्क करती है अस वर्सेस देम के प्रिंसिपल पर, मतलब हम वर्सेस वो सब लोग। तो वो एक फैंटम, एक छद्म दुश्मन क्रिएट करती है। हर डेमोक्रेटिक जो लीडर है, राइट विंग के लीडर्स हैं जो कि चुनाव जीतना चाहते हैं, वो कई बार इस तरह का एक छद्म एनिमी, छद्म दुश्मन पैदा करते हैं। जैसे हिटलर ने जूस को अपना दुश्मन शोकर किया और लोगों के वोट लिए, इसी प्रकार कई जगह काले और गोरों के में एक दूसरे को दुश्मन साबित करके वोट लिए गए, कई जगह माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में माइनॉरिटी को अपना दुश्मन दिखाया मेजॉरिटी के लीडर्स ने और उनके वोट्स बटोरे। तो ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है जिसको कि आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सोच रहे हैं कि किस तरह इसको इम्प्रूव किया जाए, और जो बुद्धिजीवी है इस बारे में पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी है, कई सिम्पोजियम हो चुके हैं और उसकी सोल्यूशन भी ढूंढी है कई लोगों ने, जैसे स्विट्जरलैंड ने, जिसकी हम आगे बात करेंगे। दूसरी नुकसान जो है, या दूसरा जो डेमोक्रेसी का नेगेटिव पॉइंट सामने आता है, वो ये है कि प्रजातंत्र कई बार भीड़ तंत्र में बदल जाता है। मींस
कि जस्ट बिकॉज किसी को अच्छे वोट्स मिल गए हैं तो वो अपने पीछे लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और किसी भी डिसीजन को चेंज करवा सकता है या करवा लेता है, तो जो कि डेमोक्रेसी का बेसिक बेसिक टेनेट्स में से, बेसिक रूल्स में से ये नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लीडर की जो व्यक्तिगत छवि है या जो उसका पर्सनल करिश्मा है उसके बेसिस पर कई डिसीजन लिए जाते हैं जो भी डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेट्स में से नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर इंसान की सोच से या किसी पर्टिकुलर इंसान की पर्सनैलिटी के बेस पर बड़े बड़े निर्णय लिए जाना सही बात नहीं है, जो कि बाद में डेमोक्रेसी को बदलकर टोटलिटेरियनिज्म की तरफ ले जाती है या डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा सकती है। और एक चीज और जो अभी जैसे हमने यहां भी देखी है, हमने मध्य प्रदेश में देखी है कि कुछ जो नुमाइंदे हैं, जो कुछ एमएलएज हैं, किसी एक पार्टी की तरफ से चुन लिए गए हैं और बाद में वो अपना दल बदलकर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो जो लाखों लोगों ने उनको वोट दिया है वो उनके साथ एक तरह से विश्वासघात है। तो ये भी डेमोक्रेसी की एक डिसएडवांटेज है जिस पर की काम किया जाना चाहिए। और अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो भी कई बार किसी कोई पार्टी ए अगर 30% वोट लाती है और पार्टी बी सी डी ई फॉर एग्जांपल अगर चार पार्टी और हैं और वो चारों जो है आप मानिए कि करीब 18-18% वोट ला रही हैं तो पार्टी ए जीती मानी जाती है जबकि उसके खिलाफ 70% लोगों ने वोट दिया है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये चीजें हैं जो कि इसको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे इंप्रूव किया जा सके। और जिन कंट्रीज ने इंप्रूव किया है उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल स्विट्जरलैंड का है जो कि उनका सिस्टम है ये हो गया है कि वो मल्टी अ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर वो रूल करते हैं। उनकी बेसिकली एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और उसमें एक फेडरल काउंसिल होती है स्विट्जरलैंड में जो कि जिसके 7 मेंबर्स होते हैं और वो सातों के सातों मेंबर कंसेंसस मतलब सब मिलकर किसी डिसीजन को लेते हैं और उसमें कोई एक लीडर उनका नहीं होता और नाम के लिए प्रेसिडेंट होता है जो कि हर साल बदला जाता है। तो इससे जो है पावर कंसेंट्रेशन नहीं हो पाता एक व्यक्ति के ऊपर और वो इंसान डिक्टेटर की तरह काम नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो काम करना चाहिए डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए वो ये है कि जो चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम बेसिकली ये होता है कि सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, सिर्फ वही पावरफुल नहीं होते बल्कि कोर्ट और मीडिया और एग्जीक्यूटिव ये लोग भी अपना अपना योगदान देते हैं पावर को बैलेंस करने में। तो अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जाए यानी कि कोर्ट्स को स्वायत्तता दी जाए पूरी तरह से रहे अगर स्वायत्तता कोर्ट के लिए और मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट काम करे और जो एग्जीक्यूटिव हैं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं और सरकारी कर्मचारी हैं वो अगर इंडिपेंडेंटली काम करें बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तो भी डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सकता है। आइए उम्मीद करते हैं कि पूरे विश्व भर में जहां भी डेमोक्रेटिक सरकारें हैं खासकर हमारे देश में भी डेमोक्रेसी हमारी मजबूत हो और आम आदमी खुश रह सके। धन्यवाद।